को साथ दिया, उनके पार्टी के साथ गठबंधन किया। आज कर्नाटक में जेडीएस के दानिश अली ने ज्वाइन कर लिया मायावती को, तो मायावती की पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपना विस्तार कर रही है। सतीश चंद्र मिश्रा ने आज उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई है और दानिश अली जेडीएस के उस दौर के नेताओं में है जब देवगौड़ा सत्ता से 10 साल से बाहर थे, उनके बेटे एचडी कुमार स्वामी, और दिल्ली में वो पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा थे, दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान थी, वो महासचिव थे। उनके आने से निश्चित ही बीएसपी मजबूत हुई है और जेडीएस को यह बहुत बड़ा झटका है। तो मायावती अपने संगठन के विस्तार में लगातार कामयाब हो रही है और सतीश चंद्र मिश्रा उनके सारथी के तौर पर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो यह सफलता कही जाएगी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनाव में, छत्तीसगढ़ के चुनाव में प्रभावी रोल निभाने के बाद मायावती अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी और मजबूत हो रही हैं। जी बिल्कुल वीरेन जी, देखिए ये वही दानिश अली है जो कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में मायावती और अखिलेश का स्वागत करते हुए नजर आए थे। मतलब मनोस्थिति उसी वक्त बना रखी थी और आज उस चीज को कारगर रूप दे दिया है। देखिए जेडीएस नेता का प्रभाव हिंदी भाषी राज्यों में नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि वो दिल्ली में देश के जितने बड़े राजनेता हैं और पार्टियां हैं उनके संपर्क में रहते हैं, और जिस तरह से कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण में उनको प्रभावी भूमिका में देखा गया था, ये माना जा रहा था कि उनकी हैसियत बहुत बड़ी है जेडीएस में और सारे नेता उनको महत्व भी दे रहे थे। अब क्या कारण रहा कि कुमार स्वामी अपने इस महत्वपूर्ण नेता को अपने पार्टी में नहीं रोक पाए, बचा पाए, ये उनके एसेट थे? वीरेन जी आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी जानने की कोशिश करेंगे इस पूरे चेंज का क्या कुछ फर्क पड़ेगा। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले पर दानिश अली का और सतीश चंद्र मिश्रा का। मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, यहां सब कुछ मेरा है, और तो इसलिए मैं सोचता हूं कि मेरी जो ऊर्जा है वो बहन जी के मिशन के लिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो सपना देखा, माननीय काशीराम जी ने जो सपना देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो सपना देखा, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जो संघर्ष और सपना था, उन सबको साकार करने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को मैंने कबूल किया है और मैं शामिल हुआ हूँ। कि दानिश अली जी आज उन्होंने जनता दल एस को अपने में छोड़ करके और आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है और इनको बहुजन समाज पार्टी में आज आने की इनका स्वागत हम लोग कर रहे हैं और इससे हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। बहुत खुशी है इनके पार्टी में आने से, पार्टी को मजबूती मिलेगी, ये कहना सतीश चंद्र मिश्रा का। लगातार हमारे ब्यूरो चीफ वीरेन सिंह जुड़े हुए हमारे साथ। वीरेन जी पार्टी को तो निश्चित तौर पर मजबूती मिलेगी, क्या लगता है वीरेन जी जो दानिश अली शामिल हुए हैं बीएसपी को क्या मिलेगा, क्या जिम्मेदारी देने वाला है दानिश अली को? जी बिल्कुल, तो चलिए संपर्क टूट गया हमारा, लेकिन आपको बताएं तस्वीरें देखिए आप, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, कुमार स्वामी का ये शपथ ग्रहण समारोह है जहां एक अलग ही तस्वीर पूरे देश को देखने को मिली थी, लेकिन ये वो तस्वीर थी जिस पर नजर थी। जी हाँ, और देखिए उसी वक्त कुमार स्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में काफी नजदीकियां देखी गई थी, तस्वीरें आप लगातार आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, और आज ये 23 मई 2018 की तस्वीर और आज का दिन देखिए आप, 16 मार्च 2019 जो शामिल हो गए हैं दानिश अली, देवगौड़ा और कुमार स्वामी के काफी नजदीक माने जाते हैं जेडीएस नेता दानिश अली, और अब बीएसपी के साथ आ चुके हैं। ये तस्वीरें 23 मई 2018 की हैं जिस दिन सब एक हो गए थे विपक्ष और तस्वीर लगता था कि कुछ होगा, कुछ बदलेगा, और निश्चित तौर पर इस तस्वीर से जो निकल कर आज आया है वो ये कि दानिश अली शामिल हो गए हैं बीएसपी में। दो हजार 2019 लोकसभा